हे गाइस, स्वागत है आपको हमारे इस नए बेहतरीन से वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि PUBG KR का 1.2 वाला वर्जन अभी रिलीज हो चुका है, तो बहुत सारे लोग डाउनलोड या अपडेट भी करना चाह रहे हैं। और वीडियो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको, फेक फेक वीडियो की आपको बता रहे हैं यहाँ से डाउनलोड करो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बग भी आ सकते हैं, आपको इशू भी आ सकता है आपके PUBG मोबाइल के APK पे, और उसको आप डाउनलोड भी करते हैं तो आपको खतरा भी रहता है, आपके ID उससे रिमूव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलग साइट से आप डाउनलोड करते हैं वो इंडिया में बैन है। तो दोस्तों, आज आपको बताऊंगा मैं कैसे डाउनलोड करना है या फिर अपडेट भी करना है, तो वो भी प्ले स्टोर से, तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा आगे। आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड किया हुआ है 1.2 वाला वर्ज़न, और जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे प्रोसेस बताऊंगा, और सिंपल है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अपडेट आपके पास ऑलरेडी पहले से अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, YouTube ओपन कर लेना है, जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे जाना है, डिस्क्रिप्शन तो इतना जानते ही हैं आप लोग। उसके बाद आपको पहला लिंक मिल जाएगा PUBG KR करके, इस पे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद ये क्रोम ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने में ऐसा इंटरफेस आएगा, और आप यहाँ पे PUBG KR का न्यू वाला लोगो देख सकते हैं, और यहाँ पे आप सारा कुछ पढ़ भी सकते हैं। और नीचे जाकर के आपको दिखा दूँ मैं, अपडेट पैच नोट्स 1.2 का वर्ज़न है ये, सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इसका ग्राफिक कैसा कुछ आया है यहाँ पे नीचे जाकर के आप सारा कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा इसको अपडेट कैसे करना है या फिर डाउनलोड कैसे करना है वो बता दूँ मैं, वो भी प्ले स्टोर से। यहाँ से आपको डाउनलोड या अपडेट नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लाया। उसके नीचे यहाँ पे आपको गूगल प्ले फ्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली उस पर आपको जाना है, ऊपर से डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा उस पर नहीं जाना है, लेकिन गूगल प्ले फ्री का ऑप्शन दिखेगा वहाँ जाना है आपको, वहाँ सिंपली टैप कर देना है और यहाँ पर कैंसिल का बटन दबाना है, और यहाँ से रिडायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाइएगा। वहाँ पे आप मैंने अपडेट किया हुआ है पहले, देख सकते हो मैंने वही वाला वर्जन अपडेट किया है, मैं आपको नीचे दिखा दूँ 1.2.0 का वर्जन है, वही वाला अपडेट किया हुआ है। आप अगर आपके पास पहले से नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसके अलावा अगर पहले से है तो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने मॉर्निंग को अपडेट किया है, उससे पहले मैं दूसरे साइट से भी अपडेट किया था, लेकिन उस पर बहुत सारा बग और बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगा, इसलिए मैंने उसको डिलीट किया, उसके बाद यहाँ से मैंने डाउनलोड किया। आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फिर बताइए, और अभी आप वीडियो छोड़ करके मत जाना, क्योंकि आगे भी छोटा मोटा प्रोसेस है कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सिंपली यहाँ से आपको अपडेट करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये जैसे कि दिखा रहा हूँ मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है पहले से, और छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊँगा आपको, वो वीडियो मैंने पहले से शूट करके रखा था जब मैं अपडेट किया था। आपका छोटा सा कंपाइलिंग रिसोर्सेज होगा, उस पे आपका अपना खुद का नेटवर्क नेट ख़त्म नहीं होगा, डाटा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कंपाइलिंग होगा, मतलब डाटा कंपाइलिंग होगा, उस पे आपका नेट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डाटा कंपाइलिंग होगा, उसको होने देना है। उसके बाद आपके सामने में छोटा सा ऐड चलाया जाएगा, ऐड मतलब क्या, पबजी का खुद का एक वीडियो चलाया जाएगा, उसको आप देख लेना पूरा। उसके बाद आपके सामने में एक अप्लाई करके ऑप्शन आएगा, आप पीछे वाले बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई करने के बाद यूज़ कर सकते हैं PUBG को। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो जाकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँगा, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। और ये मतलब पूरा अच्छा ही चलता है, कोई भी बग वगैरह नहीं है, वही मतलब सिंपल है, मैंने पहले इससे पहले डाउनलोड किया था तो उस पर बग वगैरह था और इशू था, उसको आप लोग मैं कहना चाहूँगा कि उसको डाउनलोड मत कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, ये मतलब इस पर कोई यार, आप लोग प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं तो प्ले स्टोर पर कोई भी गलत चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ से बाहर से करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी मिल सकता है। तो भाई, इतना ही था वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, और आप लोग जाइए डाउनलोड कीजिए।